उपभोक्ता किसको कहते हैं? जो व्यक्ति कोई वस्तु का उपभोग करता है उसे उपभोक्तावाद उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, उपभोग में लाते हैं, वो उपभोक्ता कहलाता है। और किस प्रकार लेखक ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि हम जो है उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या बनते जा रहे हैं, क्या बनते जा रहे हैं, दास बनते जा रहे हैं। किस प्रकार कि हम आज जो टीवी मीडिया के अंदर जो भी विज्ञापन देखते हैं, चाहे वो खाने पीने की वस्तु के हो, चाहे परिधान के हो, चाहे किसी अन्य वस्तु के या लग्जरी गाड़ियों के, घड़ियों के, किसी भी वस्तु के जो विज्ञापन देखते हैं, उनके जो चिकनी चुपड़ी बातों को जब सुनते हैं तो हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित होकर उन वस्तुओं को हम खरीद लेते हैं, चाहे वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, या वो गुणवत्ता से भरी है या नहीं, इन बातों को हम सोचना नहीं चाहते। और साथ ही कभी कभी हम ऐसी वस्तुओं को खरीद लेते हैं जो हमारे शरीर को भी नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि हम क्या चाहते हैं, एक अंधी दौड़ में शामिल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समाज में हमारा अच्छा स्टेटस दिखे, हमारा अच्छा ओहदा दिखे और हम एक आधुनिक दिखाई दे। ऐसा सोचकर हम वस्तुओं को हम जब खरीद लेते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, अपने आप को ही कुल्हाड़ी मारते हैं। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए ये संधानुकरण कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुआ था आपका लेसन। अब देखो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। हाँ बेटा, देखो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय। सुख किसे कहते हैं? जिस वस्तु को प्राप्त करने पर या जिसका उपभोग करने पर हमें आनंद अनुभव होता है वह कहलाता है सुख। हमारे मन में प्रसन्नता आती है वह कहलाता है आपका सुख। तो लेखक इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय। अभिप्राय का मतलब होता है मतलब। ठीक है, तो क्या अभिप्राय है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय है कि भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उन वस्तुओं का उपभोग करना ही एक तरह से देखो तो वह सुख कहलाता है। आज हम जो है विज्ञापनों को देखकर उन वस्तुओं को प्राप्त जब कर लेते हैं तो हमारे मन को बड़ा आनंद आता है, हम उससे बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता में हम क्या अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। तो वास्तविक अर्थ में देखें तो इन जो आधुनिक वस्तुओं का उपभोग करना या उन्हें खरीदना या उन्हें उपयोग में लेना ही हमारा क्या कहलाता है, सुख कहलाता है। ठीक है, नंबर दूसरा देखो, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रभावित करती है। आज जो यह समाज में चलन चल चला है कि किसी भी वस्तु का विज्ञापन के द्वारा प्रचार प्रसार करो। आज जो है बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां भिन्न भिन्न वस्तुओं का जब निर्माण करती है तो वह उसको बाजार में बेचने के लिए क्या करती है, विज्ञापनों का सहारा लेती है। कभी वह पत्र पत्रिकाओं में छपवाती है उसका विज्ञापन, तो कभी वह टीवी पर मीडिया में उसका छपवाती है। अब इन जब आज सामान्य वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक सभी व्यक्तियों के पास टीवी है, संचार के साधन है, उन साधनों में जब वह भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञापन देखता है, उनमें भिन्न भिन्न नायिका नायक के कैरेक्टर को देखता है, जो उन वस्तुओं का ऐड करते हैं, उनकी चमक दमक को देखकर हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और उन वस्तुओं को हम खरीद लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, हम जो चीज जरूरत होती है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। कितनी बार आप ही है बाजार जाते हो, अब अगर आप छोटी शॉप में जाओगे तो आपको एक वस्तु खरीदनी है तो वही खरीदोगे, लेकिन अब जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, बड़े से मॉल में जाते हो, उस मॉल में भिन्न भिन्न दुकानें होती है और भिन्न भिन्न दुकानों के अंदर कई बार ऐसे तीज त्योहारों पर ऐसे अवसर होते हैं, डिस्काउंट होता है या सेल लगती है, तो उनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होकर हम क्या करते हैं, हम जो वस्तु खरीदने गए हैं, जहां हमारा बजट, जो वस्तु हम खरीदने जाते हैं कि हमें अमुक वस्तु खरीदनी है, और विज्ञापनों को, उन सेल को या उन डिस्काउंट को देखकर हम लोभित लोभ में पड़ जाते हैं और उनकी तरफ उनको खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। ऐसे में हमारा बजट गड़बड़ा जाता है और हम अपनी संस्कृति को भी धीरे धीरे भूलते जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, खाली जो फैशन में चला है, चाहे वो खाने पीने का हो,
पहले बच्चे रोटी सब्जी से ही अपना पेट भर लेते थे, आज चीज बर्गर पिज्जा इन चीजों की तरफ वो ललायित होते हैं, वो चीजें उन्हें ज्यादा अच्छी लगती है बनिस्पत रोटी की, तो इससे उनको पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए उनका शारीरिक ह्रास हो रहा है। दूसरा है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं चाहे वो परिधान हो, चाहे गड़िया हो, चाहे गाड़िया हो, चाहे बंगले हो, तो इन वस्तुओं की तरफ आकर्षण कर उन वस्तुओं को हम खरीद लेते हैं जिससे हमारा दैनिक जीवन गड़बड़ा जाता है। अब ये देखो बेटा नतीजा प्रश्न नंबर तीसरा, लेखक ने उपभोक्तावादी संस्कृति उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? अब इस संस्कृति को हमारे लिए चुनौती इसलिए कहा है क्योंकि आज जो है समाज क्या है, पहले जो समाज था वह एक दूसरे के बारे में सोचता था, सुख दुख में काम आता था, तीज त्योहार सब मिलकर मनाते थे, हर एक को हर व्यक्ति के पास बैठकर उसके सुख दुख को बांटता था और हर एक व्यक्ति के लिए अपने उसके पास उसको समय होता था। किंतु आज देखो हर इंसान जो है काम की दौड़ में आगे भागा जा रहा है, हर व्यक्ति इस पाश्चात्य संस्कृति के पीछे भाग रहा है। घर का हर व्यक्ति, पहले क्या होता घर का मुखिया कमाता था और बाकी लोग जो थे वह घर के भिन्न भिन्न कामों का बंटवारा करके अपना योगदान देकर उस घर को चलाते थे। किंतु आज अगर हम आधुनिक समय में देखें तो घर का प्रत्येक व्यक्ति जो है वह काम कर रहा है और हर व्यक्ति काम करने से अवधेश हर व्यक्ति के काम करने से क्या हो गया है, हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो गया है। सुबह सभी निकल जाते हैं काम में और शाम को वापस से लौटते हैं, अवधेश। तो ऐसे में क्या होता जा रहा है कि ऐसे में जो मनुष्य एक दूसरे का साथ जो है वो कम होता जा रहा है, एक दूसरे के साथ जो समय स्पेंड करना चाहते थे वह कम होता जा रहा है। इसके अलावा यह चुनौती क्यों है अवधेश, आवाज सुनाई दे रही है अवधेश? यस मैडम, आवाज सुनाई दे रही है? यस मैडम। तो जो उपभोक्तावाद जो है वह हमारे समाज के लिए चुनौती बन गया है, क्यों? क्योंकि यह क्या हो गया, हमें आकर्षित करता है, हमें लोभित करता है, हमें लालायित करता है ऐसी वस्तुओं को खरीदने के लिए जो चमक दमक से भरी हुई है। आज हम मार्केट जाते हैं, कई सारे भिन्न भिन्न नमकीन के पैकेट्स देखते हैं, कितने सुंदर पैकिंग होती है, कितने सारे कैरेक्टर जो होते हैं उन पैकेट्स का विज्ञापन करते हैं, हमें लोभित हमें लुभाते हैं और हम क्या होते हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उनको खरीदकर चाहे वो खाने के लिए ले लेते हैं। ऐसे ही परिधानों में भी है, ऐसे ही अन्य वस्तुओं में भी है। तो यह समाज के लिए चुनौती है, क्यों चुनौती है? अगर इसी तरह से चलता रहा, हम इसी तरह से अन्य भिन्न भिन्न वस्तुओं को खरीदते रहे तो क्या होगा, एक दिन हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, हम अपने समाज की जो संस्कृति वास्तविक जो हमारे समाज के मूल्य हैं उनको भूल जाएंगे और हमारा नैतिक क्षरण होने लग जाएगा। नैतिक क्षरण कैसे होता है कि जब हम एक दूसरे के सुख दुख को बांटना भूल जाते हैं। अब हम तो अंधी दौड़ में शामिल है, पाश्चात्य संस्कृति की दौड़ में शामिल है कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का खरीद कर हम क्या कर लेते हैं अपने स्टेटस को ऊंचा दिखा देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन वस्तुओं को नहीं खरीद पाते, ऐसे में आर्थिक विषमता बढ़ जाती है और मनुष्य जो होता है वह शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से अक्षम होता जाता है। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर चौथा, आशय स्पष्ट कीजिए, क वाला है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। हाँ, जाने अनजाने ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जाने अनजाने में कई बार हम चाहते हैं कि हम अंधी दौड़ में शामिल नहीं हो, हम उन उत्पादों की तरफ आकर्षित नहीं हो, लेकिन जाने अनजाने में ही हम क्या होते जा रहे हैं उनकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। उन ऐसी वस्तुओं को चाहे वो मीडिया में देखकर, चाहे विज्ञापनों में देखकर, उन चहेते किरदारों को देखकर जो उन वस्तुओं का आप विज्ञापन करते हैं, चाहे वो क्रिकेट के कलाकार हो, चाहे वो फिल्मी कलाकार हो, इन ऐसे कैरेक्टरों को देखकर जो उन वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं हम ऐसे संसाधनों का उपयोग करने लग जाते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। इसलिए क्या होता जा रहा है, हम भी उनके अधीन होते जा रहे हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वो वस्तुएं चाहे अच्छी हो या नहीं हो उन्हें ले लेते हैं और उपयोग में लेते हैं। आज देखो कई सारी महिलाएं हैं, अब हर रंग भेद हमारे उष्णकटिबंधीय देश है, इस वजह से हमारा देश क्या है, हमारे देश का रंग जो है लोगों का वह सांवले रंग का है। अब हर एक व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन
पहले तो महिलाएं यूज करती थी, तो महिलाएं क्या होती थी, उन वस्तुओं को खरीद कर अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, समाज में अच्छी सुंदरता दिखाने के लिए उन वस्तुओं का उपयोग करती है। अब इनसे कई बीमारियों का भी, उन वस्तुओं के उपयोग से कई हानियां भी हो रही है, स्किन संबंधी, त्वचा संबंधी कई सारी बीमारियां होती जा रही है। तो हम क्या हो रहे हैं, उन जो विज्ञापनों है उन विज्ञापनों को देखकर हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं और उपयोग में लेते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हम उन वस्तुओं के अधीन होते जा रहे हैं, हम उनके दास बनते जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अब लेखक ये कहना चाह रहा है कि प्रतिष्ठा के कई रूप होते हैं, जो मनुष्य अच्छी अच्छी वस्तुओं को उपभोग करता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छी होटलों में घूमता है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता है और कई सारे अच्छे अच्छे फैशन के ब्रांडेड कपड़ों पहनता है, लग्जरी वस्तुओं का उपभोग करता है। तो ऐसा वस्तु के ऐसे वस्तुओं का उपभोग करने वाले को समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है। हम क्या होता है, सामान्य हमारी एक तरह की आदत होती है कि हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का आकलन है, आकलन मतलब उसका देखने का तरीका, जो किसी भी व्यक्ति के आपका आकलन हम क्या कर लेते हैं, वेशभूषा से या उसके रहन सहन को देखकर उसका आकलन कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छी गाड़ियों में घूम रहा है, महंगी घड़ियां पहन रहा है, तो ये जरूर बहुत अमीर होगा, ये बहुत प्रतिष्ठित परिवार का होगा। कई बार ऐसी वस्तुओं का उपयोग करके कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब स्थिति हास्यास्पद होती है। कैसे होती है कि जिस प्रकार अमेरिका के अंदर क्या हुआ, अमेरिका के अंदर ऐसे प्रतिष्ठित लोग जो बहुत अधिक पैसे वाले हैं, वह जीवित रहते हुए ही क्या कर लेते हैं, अपने लिए उस स्थान को नियुक्त कर लेते हैं जहां उन्हें अंतिम समय में दफनाया जाए या जलाया जाए। अब उस जगह को वह एक बगीचे का रूप दे देते हैं, वहां पे कई सारे फूलों के पौधे लगा देते हैं, धीमा धीमा संगीत हो, लाइट हो, फव्वारे हो, इस तरह से वो उस जगह को बनवा देते हैं। तो यह स्थिति भी एक तरह की हास्यास्पद है, क्यों, क्योंकि अभी तो मनुष्य जिंदा है लेकिन वह किसके लिए प्रयास कर रहा है, वह उस समय के लिए प्रयास कर रहा है जब वो मर जाएगा। मरने के बाद तो किसी ने नहीं देखा कि कौन कैसा है या कैसी जगह है, लेकिन उसकी जो सोच है वह क्या है, हंसी आने जैसी है कि मनुष्य कितना वस्तुओं के अधीन होता जा रहा है, इन वस्तुओं का कितना दास बन गया है कि वह इसी जगह नियुक्त करता है जहां उसे दफनाया जा रहा हो। ये ऐसी स्थितियां क्या होती है, कभी कभी हास्यास्पद बन जाती है। ठीक है, अगला देखो, रचना और अभिव्यक्ति संबंधी। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों। अब लेखक कहते हैं कि कोई भी वस्तु, चाहे हम किसी भी वस्तु का विज्ञापन अगर देखते हैं, वह टीवी पर देखते हैं, तो हम उसको खरीदने के लिए लालायित क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण है। ऐसा इसलिए होता है कि जो टीवी पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं, उन विज्ञापनों में जो किरदार होता है, जो व्यक्ति होता है, या तो वह सिनेमा से जुड़ा होता है, सिनेमा का कलाकार होता है, या फिर बहुत सुंदर मॉडल होता है, उसको देखकर, उसके शरीर सौष्ठव को देखकर, या फिर उसके रंग रूप को देखकर हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कई बार फिल्मी कलाकार भी जो होते हैं, सॉरी टीवी क्रिकेट कला जो खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के, वह भी विज्ञापन करते हैं। तो ऐसे में उन विज्ञापनों को देखकर हम उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में और उसकी जो पैकिंग होती है उसकी तरफ हम आकर्षित होते चले जाते हैं। ये विज्ञापन जो होते हैं इतने सुंदर तरीके से दिखाए जाते हैं कि मनुष्य न चाहते हुए भी उन विज्ञापनों की तरफ आकर्षित हो जाता है और ऐसे में उन वस्तुओं को खरीदने के प्रति वह लालायित रहता है। अब कई बार आप देखो, जैसे ही कोई त्योहार आता है तो उन त्योहारों के अंदर कई सारे विज्ञापन आने लग जाएंगे, चाहे वो परिधान को लेकर हो जाए, चाहे वो मिठाइयों को लेकर हो जाए, चाहे चॉकलेट्स को लेकर हो जाए, चाहे नमकीन को लेकर हो जाए, चाहे लग्जरी गाड़ियों को लेकर हो जाए। अब जब ऐसे सुंदर तरीके से इन विज्ञापनों को दिखाया जाता है तो मनुष्य न चाहते हुए भी इनकी तरफ आकर्षित होता है और इनका गुलाम बनता जाता है, उन वस्तुओं को खरीद लेता है। ठीक है, अब ये देखो नंबर छठा। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट करें। अब
लेखक ये पूछ रहा है कि हमारे अनुसार अगर कोई भी वस्तु हम खरीदने चाहते हैं या खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस वस्तु की आकर्षक पेंटिंग को देखकर आप उसको खरीदना चाहोगे या फिर उसकी गुणवत्ता, उसमें जो सम्मिलित सामग्री है उसको देखकर आप उसको खरीदना चाहोगे। तो हमारे अनुसार हमें वही वस्तु खरीदनी चाहिए जो उपयोग में हमारे लिए फायदेमंद हो, हमारे शरीर के लिए, चाहे हमारे हमारे लिए लाभकारी हो, उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी हो, उसकी गारंटी और वारंटी हो, तभी वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। चाहे हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं तो सबसे पहले उसकी पैकिंग को देखना नहीं, पैकिंग के साथ साथ उसकी क्या उसका ISI मार्क देखने का, साथ ही फूड प्रोडक्ट का जितना भी होता है कि वह एक्सपायरी तो नहीं है, उसमें कितने कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, वह हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह तो नहीं है, यह कितना पुराना है, कितना नया है, इन सारी वस्तुओं के बारे में जानकारी लेने के बाद वही वस्तु हमें खरीदनी चाहिए। ऐसे ही परिधान अगर हम खरीदते हैं, कोई वस्त्र खरीदते हैं, तो उन वस्त्रों को पहनने पर हम कैसे दिखाई देते हैं, ये नहीं कि हमने वस्त्र तो ले लिया और पहनने के बाद हमारे सभी हंसी उड़ा दी। तो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे लग्जरी गाड़ी, अच्छी गाड़ी ले ली और आपने अच्छा म्यूजिक सिस्टम ले लिया, आप वो म्यूजिक सिस्टम तो ले लिया लेकिन आपको चलाना नहीं आता, महंगा मोबाइल ले लिया लेकिन उस मोबाइल को यूज करना नहीं आता, उसको चलाना आपको नहीं आता। तो ऐसी ये सारे तर्क है, ये सारे एक तरह से क्या तर्क मतलब उदाहरण कि ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदना जो हमारे लिए गुणवत्ता नहीं है, जिसको हमें काम में लेना ही नहीं आता, भोजन में भी उसकी अच्छी क्वालिटी देखकर, अच्छी उपयोगिता देखकर फिर वस्तुओं को खरीदना चाहिए। उसी प्रकार से वस्तुओं को भी गुणवत्ता के आधार पर ही खरीदना चाहिए। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। इस पाठ के आधार पर जो उपभोक्तावादी युग जो है, ये युग कैसा उपभोक्तावादी जो उपयोग वस्तुओं का उपयोग करता है वो युग चल रहा है, इस युग के अंदर हमारी क्या है दिखावे की संस्कृति हो गई। आज हर व्यक्ति क्या करता है, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छी गाड़ियां पहनना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छी जगह भोजन करना चाहता है, अच्छे दिखने के लिए भिन्न भिन्न संसाधनों का उपयोग करना चाहता है, समाज में उसका रुतबा दिखे ऐसा वह चाहता है। इसके लिए वह क्या करता है, अच्छे संसाधनों को खरीदता है, विज्ञापन के आधार पर ही सही उन वस्तुओं को खरीद कर समाज में अपना स्टेटस को ऊंचा दिखाता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार की दिखावे की संस्कृति हो गई। आज हम कहीं पे भी जाएं तो हर व्यक्ति, पहले जो होता था कोई भी समारोह होता था तो परिवार के लोग मिलकर घर के कुछ तीज त्योहार अगर हम देखते हैं तो परिवार के जो लोग होते हैं वह क्या करते थे, उस त्योहार को मनाते थे, घर में ही मिठाइयां बनती थी, घर में ही उसको सजावटी सामान बनते थे और दीयों और बत्तियों से उसको सजाया जाता था, हर काम घर में होता था और आस पड़ोस मिलकर उस खुशी खुशी उस त्योहार को मनाते थे। किंतु आज वर्तमान समय में हम देखिए वर्तमान युग में तो हमारा जो युग है ये वैसा युग हो गया, उपभोक्तावादी युग हो गया। अब हम क्या करते हैं, कोई भी त्योहार हो, जैसे दीपावली हो गई, राखी हो गई, होली हो गई, कोई भी त्योहार, नया साल हो गया, क्रिसमस हो गया, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं से बाजार सज जाता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं त्योहारों पर बाजार में दिखने लग जाती है, चाहे वो मिठाइयों से लेकर हो, चाहे सजाने की वस्तु हो, भिन्न भिन्न परिधान दिखते हैं और हम क्या करते हैं उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उन वस्तुओं को हम खरीद में लाकर घर में सजा देते हैं। पहले तो घर में बनाई जाती थी मिठाइयां, लेकिन आज हम क्या करते हैं, मार्केट के अंदर अगर सुंदर सुंदर डिजाइन की मिठाइयां दिख जाती है तो हम उसके रंग रूप के आधार पर ही, चाहे उसमें कितने ही केमिकल कलर मिले हो, लेकिन हम उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं और उससे हमारा स्टेटस को ऊंचा दिखाते हैं। तो ये क्या है, एक तरह की दिखावे की संस्कृति है। पहले दीयों से घर सजाया जाता था, दिए घर में मिट्टी से बनते थे, आजकल आप देखो दीपावली पर सभी लोग क्या करते हैं, बिजली की लड़ियां लगा देते हैं और उनसे अपने घर को सजाते हैं। तो जो बेचारे मिट्टी के दिए बनाने वाले लोग होते हैं उनका काम धंधा चौपट हो गया, तो उनके घर में तो दिवाली हुई नहीं, क्यों, क्योंकि उनकी दिवाली काली हो गई, उनके पास पैसे ही नहीं, उनका खर्चा, उनका जो काम था वो बंद हो गया है। तो एक प्रकार से आज हम देखें तो केवल दिखावे की संस्कृति, दिखावे की जो संस्कृति है उनको बढ़ावा मिलता जा रहा है, जिससे हम क्या हो गया, अपनी वास्तविक संस्कृति को भूल रहे हैं।
परिवार के साथ मिलकर बैठना, ये सारी बातें हम भूल गए हैं। लोगों के साथ बैठना, उनके दुख दुख बांटना, हंसी मजाक करना, खेल, कई सारे व्यंजन बनाना, पकवान बनाना, वे सारे छोड़कर हम बाजार से ही उन वस्तुओं का खरीदारी करके उनका उपभोग करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8। आज का उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अनुभव के आधार पर लिखिए। यही हो गया इसी का उत्तर भी कि कोई भी त्योहार हो, पहले हम घर में मिल बैठ कर मनाते थे, लेकिन आज जो है वह त्योहारों का रूप जो है वह बिल्कुल बदल गया है। हर व्यक्ति अपने घर को इन लड़ियों से सजा लेता है, बाजार से मिठाइयां मंगवा लेता है और अच्छे अच्छे महंगे महंगे परिधान खरीद कर वह अपने को क्या कर लेता है, अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। तो हम वास्तव में जो मूल रूप हमारे त्योहार के सौहार्द भरा वातावरण, स्नेह संयम, ये सब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अब देखो भाषा अध्ययन, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। यह वाक्य में बदल रहा है क्रिया है और क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे। अतः यहाँ पर धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें यह पता लगता है कि कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया क्या है, पढ़ना, चलना, खेलना, कूदना, ये सारे हैं क्या, क्रिया शब्द। अब इनके आगे हम कब, कैसे, कहाँ, ऐसी क्रियाएं लगा दे जाते हैं या ऐसे विशेषणों का प्रयोग करते हैं तो वह क्रिया विशेषण कहलाती है। जैसे ऊपर दिए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण के कुछ 5 वाक्य छाट कर लिखिए। जैसे देखो नीचे दिए वाक्य में क्रिया विशेषण को छाट कर लिखना है आपको, है ना। अब पाठ के अंदर से आपको निकालने हैं, कल रात निरंतर बारिश हो रही। अब बारिश हो रही है ये तो क्या क्रिया, और निरंतर क्या हुआ, क्रिया विशेषण हो गया। पेड़ पर लगे पके आम को देखकर मुंह में पानी आ गया, पानी आना क्या हुआ, क्रिया हो गई, और पके क्या हो गया, उसकी क्रिया विशेषण हो गया। रसोई घर से आते पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों से भूख लगी, अब हल्की क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। भूख लगना क्या हो गया, आपकी क्रिया हो गई। उतना ही खाओ जितनी भूख है, उतना और जितनी, ये क्या है, आपके विशेषण है। विलासिता की वस्तुओं में आजकल बाजार भरा पड़ा है, आजकल शब्द क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण वाला शब्द हो गया। तो ये हो गया आपके पूरे पाठ के क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। आज ये मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है, ना तो कोई बच्चा बोल रहा है। अवधेश, संजय, हाँ मैम, कोई समस्या आ रही है तुम्हारा, तुमने नहीं, मैडम आवाज कट रही है, नहीं आवाज कट रही है, अवधेश, नहीं मैडम वो आवाज कट रही है बार बार, मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही ये भी नहीं पता चल रहा है मुझे, आ रही है, यस मैडम, संजय मैसेज करके बता, आ रही है मैडम, संजय, यस मैम, संजय मैसेज करके बताओ तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, नहीं है तो फिर तुम्हारी आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही है, मैसेज करो। ये अवधेश एक दिन आता है दूसरे दिन गायब रहता है, अवधेश क्या चक्कर है ये तेरा, पढ़ाई करना चाहता है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको डांटे चलाने है ना, पशु चलाने ना, नहीं मैडम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बस ये समझने लगे बस बिल्कुल मैं ही हूँ सब कुछ। अब देख, नहीं मैडम वो आवाज नहीं आ रही है, कल क्लास मैडम, मैडम आवाज तो आ रही है लेकिन आपके माइक ऑफ कर, अवधेश मैसेज करो। अच्छा तुम्हारी मुझे नहीं आवाज नहीं आई, मेरी तो आ रही है ना, है बेटा मेरी आवाज तो आ रही है, संजय मेरी आवाज तो बराबर आ रही है, ओके। तो ये हो गए अपने सारे क्वेश्चन आंसर, मैंने एक तरह से तो समझा दिए हैं, अब मैं इनको आपको कॉपी में करके भेज दूंगी तो आप कर लेना, ठीक है। ये वाला लेसन हो गया तुम्हारा, लासा की ओर
संजय लासा की ओर वाला क्वेश्चन हो, ये हो गए तो आपने मुझे भेजे ही नहीं। सुरेश मिला क्या? यस मैडम बोल रहा है। आप क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा है? बराबर मैम कर रहा हूँ ना। नवी में ही आया है अभी, तू ट्वेल्थ में नहीं आया है? नहीं मैडम, अवधेश बोल रहा हूँ मैं, अवधेश है। अब ये हो गया अपना तीसरा लेसन। अब जो गद्य के तीन लेसन हो गए, अब जो अपन पढ़ेंगे वो पद्य का पढ़ेंगे, ठीक है? पद्य के लेसन। ओके मैडम, समझ में? यस मैडम। चलो कल आज की क्लास यही फिनिश होती है, ठीक है बेटा? थैंक यू मैडम। कल फिर कंटिन्यू करते हैं, कल अपन बोले लेंगे पद्य वाला लेसन, ठीक है? और काम करके, थैंक यू, काम करके आप मुझे वो करो, ठीक है ना? चल थैंक यू मैडम।